भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश जिसका नाम है भूटान। ये देश बाहरी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली जैसा है, क्योंकि भूटान में विदेशियों को 1974 साल तक घुसने नहीं दिया जाता था, पर अब भी सीमित पर्यटक ही भूटान जा पाते हैं। विदेशी पर्यटकों को भूटान में घुसने के लिए 200 से 2800 डॉलर प्रतिदिन देना पड़ता है, पर भारतीय के लिए ऐसा कोई भी चार्ज नहीं होता। तो चलिए भूटान का सैर करते हैं। दोस्तों, भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। वहीं इसका नाम ड्रेक्यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। दोस्तों, भूटान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है थिम्पू। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर पहाड़ों से घिरा होने की वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है। इस मामले में भारत उसका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आप जानकर आश्चर्य होंगे, यहाँ 2001 से पहले टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा था। भूटान के मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। दोस्तों, यहाँ एक ही साथ राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान में रखें कि वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ पूरी तरह से बैन है, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकते हैं। भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह से बैन लगा चुके हैं। वहीं शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। दोस्तों, भूटान में होमोसेक्स और गे सेक्स गैरकानूनी है। वहीं एक से ज़्यादा शादी आप कर सकते हैं। दुनिया का एकमात्र देश भूटान जो ब्रिटेन के साथ कोई कूटनैतिक संबंध नहीं रखता। अपनी संस्कृति को दुनिया से बचाने के लिए इसने सदियों तक बाहरी जगत से संबंध नहीं बनाए। दोस्तों, कहीं लिहाज से भूटान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ वहाँ 1999 से ही बैन है और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैरकानूनी है। कानूनन देश के 60% भाग में जंगल ही होना चाहिए। मानिए आप दिल्ली में घूम रहे हैं और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट ना मिले तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में ऐसा ही है। वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। हालांकि एक समय में यहाँ ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इनको हटा दिया गया। दोस्तों, भूटान जीवन के स्तर को GDP के बदले GNI से नापता है, मतलब सकल राष्ट्रीय खुशी। सरकार का मानना है कि इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक होने के बीच संतुलन कायम किया जाता है। भूटान के 70% युवा बेरोजगार है और GDP के हिसाब से दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। दोस्तों, भूटान जैसा छोटा देश भारत को बिजली बेचता है। इसके अलावा ये देश लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। गंखर पुनसुम भूटान का सबसे ऊँचा पर्वत है। लोगों की मान्यता के अनुसार ये काफ़ी पवित्र है और यहाँ किसी को भी जाने की आज़ादी नहीं होता। दोस्तों, भूटान में पेड़ लगाना लोकप्रिय है। इसको यहाँ के लोग लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति के प्रतीक के रूप में मानते हैं। 2015 में भूटान ने मात्र एक घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर गिनीस रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म को माना जाता है। यहाँ की लगभग 3/4 जनता इस धर्म का पालन करते हैं। बाकी लोग हिंदू हैं जो नेपाल से आए हुए हैं। दोस्तों, भूटान में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियाँ पर चढ़ने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ गंखर पुनसुम है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया सरकारी नीति की वजह से। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन इमिशन को रोकने में कामयाब रहा है। यहाँ का 72% हिस्सा जंगल के रूप में है। भूटान में किसी भी लुप्तप्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा की प्रावधान है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकीन है, जो बकरी जैसा सींग वाला हिरन होता है। दोस्तों, भूटान में तीरंदाजी और डार्ट दो राष्ट्रीय खेल है। भूटान में एक अजीब रिवाज है, यहाँ सभी व्यक्ति एक ही दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं, वो भी नए साल पर। इस तरह से नए साल पर सभी लोगों की उम्र एक साथ बढ़ जाती है। ये इस देश का आधिकारिक नियम होता है। तो आज का सफ़र यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि एक नई एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हो सके। धन्यवाद।